हरे कृष्णा। आदि पुराण में एक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, यानी कृष्ण का भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, परंतु जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा असली भक्त है। तो यदि हम कृष्ण की सेवा डायरेक्टली करें तो कृष्ण क्या पता उसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, पर यदि कोई भक्तों की सेवा करता है तो कृष्ण उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कृष्ण भगवान विट्ठल जी के रूप में प्रकट हुए पंढरपुर में। तो पंढरपुर का पहला नाम था दिंडिरवन। तो इस दिंडिरवन में पुंडलिक नाम का एक युवा रहता था, जिसके माता पिता का नाम था जानुदेव और सत्यवती। बहुत ही धार्मिक परिवार था, संस्कारशील परिवार था, पर यूं हुआ कि जब पुंडलिक की शादी हो गई तो उसकी वृत्ति अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से बदल गई। वो पूरी तरह से अलग इंसान बन गया। वो अपने माता पिता का अपमान करने लग गया, उन्हें परेशान करने लग गया, दिन भर उन्हें काम में लगाता था और ठीक से खाना भी नहीं देता था। बहुत सताया उसने अपने माता पिता को, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी जो थी उन्होंने भी बहुत सताया। तो इससे परेशान होकर जानुदेव और सत्यवती ने सोचा, क्यों ना हम काशी चले जाएं। काशी चले जाएंगे, वहाँ पे ही मोक्ष पा लेंगे, और बहुत अभी सहा नहीं जाता, बहुत ही परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो उनका जो डिस्कशन था, चर्चा था, वार्तालाप था, उनकी बहू ने सुन लिया, और बहू पुंडलिक के पास गई और उन्होंने कहा कि आपके जो माता पिता है काशी जा रहे हैं और हमें भी उनके साथ जाना पड़ेगा। तो उसके पुत्र ने कहा, क्यों? अरे वो भाग रहे हैं, यदि वो वापस नहीं आएंगे तो घर का काम कौन करेगा, तो हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। तो पुत्र ने कहा, हाँ ज़रूर, हम भी जाएंगे। तो सब यात्रा के लिए निकल पड़े। पर यूँ ऐसा हुआ कि जो पुत्र थे पुंडलिक और उनकी पत्नी घोड़े पे सवार होके जा रही थी, पर वृद्ध माता पिता चलते चलते आ रहे थे। बहुत गांव वालों ने बताया, अरे आप क्या कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता है, उनको घोड़े के ऊपर बिठाइए, घोड़े के ऊपर सवार होने दीजिए। पर उन्होंने कहा, नहीं। इस प्रकार से वो बहुत ही अपने माता पिता को कष्ट दे रहे थे, कष्ट देना चाहते थे इंटेंशनली। तो चल रहे थे, और ऐसा होता है कि रात को एक जगह पे रुक जाते, फिर से सुबह होते ही आगे आगे चलते, क्योंकि उस समय पे कोई ट्रेन नहीं होती थी, कोई बसेस की व्यवस्था नहीं थी, तो जहाँ पे भी सेफ लगे वहाँ पे रुक जाते थे। तो एक बार की बात है, चलते वो ककुट मुनि के आश्रम में रुके। ये ककुट मुनि बहुत ही वैराग्य व्यक्ति थे, बड़ा आश्रम था, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और सारे जो यात्री थे उनके आंगन में सो गए। पर बीच रात को पुंडलिक जाग उठा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा बीच रात में कि उसे नींद ही नहीं आई। उसने देखा कि तीन सुंदर ललनाएं कुक्कुट मनी का आश्रम साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोथा लगा रही है, उनके कपड़े धो रही है। तो उसने सोचा, ये कौन है, तीन लड़कियां इनका आश्रम साफ कर रही है, और ये तो विचित्र बात है, जब हम कुछ साफ सफाई करते हैं तो हमारे कपड़े गंदे होते हैं, पर इनके कपड़े ये जब साफ सफाई कर रहे तो और चमकते जा रहे, ऐसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो दूसरे दिन भी उसे यही दिखा, दूसरी रात को भी यही दिखा कि तीन ललनाएं आई, स्त्रियां आई, और वो साफ कर रही है और उनके कपड़े अच्छे हो रहे हैं। तो उसे रहा नहीं गया, वो चुपके से गया और उनमें से एक को पूछा कि आप कौन हैं। तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि हम हैं गंगा, जमुना और सरस्वती। तो उसने कहा, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप जैसे पापी लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे नदी के पात्र में वहाँ नहाते हैं, और सब जो पाप है, जीवन का कूड़ा कचरा वहाँ पे डाल के चले जाते हैं। तो देखिए, हमारे कपड़े उनकी वजह से गंदे हो जाते हैं, हमारा शरीर मैला हो जाता है, तो हम भी हमारे पाप धोने के लिए साधु पुरुष के चरणों में आ जाते हैं, इनकी साफ़ सफाई करते हैं आश्रम की, उनके कपड़े धोते हैं, और
हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो उसने कहा, अरे वाह, जिस नदियों में हम पाप धोने जाते हैं वही नदियाँ एक साधु का सेवा कर रही हैं, क्या बात है। तब सरस्वती देवी ने बताया, हाँ पर पुंडरिक मैं आपको बता दूँ कि आपके पाप इतने घिनौने हैं कि आपके पाप हम नहीं धो सकते। तो जब पुंडरिक ने सुना तो उसे वो बहुत बुरा लगा। उसे दूसरे दिन सुबह उठते ही वो ककुट मुनि के पास गया और उसने ये सारी बातें बताई और पूछा कि ये नदियाँ आपकी सेवा कैसे करती है, मतलब आप इतने पात्र कैसे बने कि नदियाँ भी आपकी सेवा करने आ जाती है। तब कुकुट मुनि ने कहा कि मैं अपने पिता और माता की सेवा करता हूँ। और जब उन्होंने ये सुना तब उनके दिमाग में कुछ प्रकाश आया, अंधेरा निकल गया। वो माता पिता के चरणों में जाके गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगी और उन्हें आदरपूर्वक सत्कारपूर्वक फिर से घर लाया। और उनका बदलता हुआ व्यवहार देखते हुए उनकी पत्नी का भी हृदय परिवर्तन हो गया, मत परिवर्तन हो गया, वृत्ति में बदल आ गया और अपने माता पिता की सेवा में वो भी लग गई। तो एक दिन की बात है, उनकी सेवा से संतुष्ट होके भगवान विट्ठल खुद डिंडरवन जा पहुँचे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब राधा रानी द्वारका में गई थी तो राधा रानी के साथ कृष्ण का व्यवहार देख के रुक्मिणी देवी बहुत गुस्सा हो गई, और गुस्सा हो गई तो गुस्से में उन्होंने द्वारका छोड़ दिया और डिंडरवन आई थी तपश्चर्या करने के लिए, और कृष्ण उनके पीछे 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 आ गए डिंडरवन में। पर रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। तो कृष्ण ने कहा, अभी और क्या करें, और कोई एक लीला कर दे। तो मिलने के लिए पुंडलिक के पास आ पहुँचे तो पुंडलिक के घर के सामने वो खड़े रहे और पुंडलिक को पूछा, अरे पुंडलिक घर में आओ क्या, कुछ आदरातिथ्य तो करो, मैं विट्ठल हूँ। तो पुंडलिक ने कहा, रुको रुको, कुछ अभी काम में व्यस्त हूँ, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, उनकी ज़रूरत का देखभाल कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा बाहर रुकिए, अभी मेरे माता पिता बीमार है। तो बोले, कुछ तो बैठने के लिए तो दो। तो पुंडलिक ने कहा, बैठने के लिए नहीं है, पर आप खड़े हो जाइए। तो उसने उसके आजू बाजू में एक वीट पड़ी थी, ईट पत्थर पड़ा था, तो वो फेंक दिया और कहा पंडरीनाथ से, विट्ठल जी से, कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। और तब भगवान विट्ठल खड़े हो गए, अपने कमर के ऊपर हाथ रख के मानो किसी का राह देख रहे, वेट कर रहे, ही इज वेटिंग फॉर समथिंग। तो बाद में पुंडलिक जी गए और उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पे आए हैं उन्हें दर्शन देने के लिए। वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आप कृपया यहाँ पे ही खड़े रहिए। और तभी से पंढरपुर में भगवान विट्ठल है। भगवान विट्ठल अपने कमर के ऊपर हाथ रख रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है उसके लिए जो भव सागर है उसकी गहराई केवल कमर तक है। समंदर का पानी, भव सागर के समंदर का पानी, उसकी गहराई केवल कमर तक है। आप मेरी भक्ति करो और निश्चिंत रूप से भव सागर के पार आप चले जाओगे। भगवान के एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ में शंख है। भगवान के कर्ण कुंडल बड़े ही सुंदर है। उनका मुकुट है चंदन का, उनका तिला है, तिलक है, आपने देखा ही होगा कभी आप पंढरपुर में गए होगे तो। और ऐसे कहते हैं कि जो भी भगवान विट्ठल का दर्शन लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। आज भी बहुत सारे भक्तगण पंढरपुर में जाते हैं, चंद्रभागा में स्नान करते हैं और जो वो एरिया है पर्टिकुलर वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं, वाड़वंड कहते हैं उसे, वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं और बाद में भगवान विट्ठल जी का दर्शन करते हैं। और आज भी वो मोहक मूर्ति का दर्शन करने मात्र से मन को शांतता मिलती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।